हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिव टेक स्मार्ट में। टीवी का रिव्यू आ गया है। एलजी ने 2022 में लेटेस्ट स्मार्ट टीवीज लॉन्च किए हैं, उन्हीं में से आज एक टीवी लेके आया हूँ 32 इंच का, जिसका मॉडल है 32LQ576A। और जैसा कि आपको पता है कि 32 इंच एक यूनिवर्सल साइज है, तो अगर आप एक 19,000 के बजट में स्मार्ट टीवी परचेज करने की सोच रहे हो और वो भी एक अच्छे ब्रांड का, तो ये वाला टीवी आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं मैं आपको बताऊंगा अनबॉक्सिंग और सारी क्वालिटी टेस्ट करके। तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस टीवी की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 23,999 रुपीज। वीडियो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने रुपए का मिल जाएगा, तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो टेबल टॉप स्टैंड दिए हुए हैं और प्लास्टिक के ही हैं, लेकिन क्वालिटी काफ़ी औसम आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक मिल जाती है प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड। और मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, जो प्रीवियस जो भी टीवी आ रहे थे उनके साथ चार्जर साथ में आ रहा था, लेकिन इसके साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड ही मिल रही है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। साथ इसमें स्क्रू दिए हुए हैं और वायर मैनेजमेंट के लिए आपको स्ट्रिप मिल जाती है। और फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट में आपको भर भर के यूजर मैनुअल दिए हुए हैं, वारंटी कार्ड है, सेटअप गाइड है, तो आप जब फ्री रहो तो आप अच्छे से इन्हें देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इस टीवी के अंदर सबसे मेन अपने को मिल जाता है मैजिक रिमोट, और क्या ही कहना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। जब मैं टीवी का सेटअप कर लूँगा बाकी इसके फीचर्स और बाद में बताऊँगा। और साथ ही रिमोट के लिए मिल जाती है 2A बैटरी। और लास्ट में अपने को मिल जाता है एक बार कोड, जिसे आप स्कैन करके ट्रबल शूट वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने टीवी के टेबल टॉप स्टैंड लगा लिए हैं और टेबल टॉप स्टैंड की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसी के साथ अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूं तो ऊपर की तरफ आपको AVN का पोर्ट दिया हुआ है और अलग से आपको एक कनेक्टर परचेज करना रहेगा, 200-300 रुपए का मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक USB पोर्ट दिया हुआ है, दो HDMI 1.4 के पोर्ट दिए हुए हैं जिसमें एक ARC को सपोर्ट करता है, और एक आपको LAN पोर्ट मिल जाता है जिसे RJ45 पोर्ट भी कहते हैं, डिजिटल ऑडियो आउटपुट। दो एंटीना पोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक ताइवान और फिलीपींस और दूसरा एशिया में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ आपको पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है और जो इस टीवी का मॉडल है वो है 32LQ576BPSA मेड इन इंडिया। ओवरऑल इस टीवी की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो टोटल प्लास्टिक बिल्ड में दी हुई है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी औसम आपको मिल जाती है। तो फटाफट टीवी का सेटअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टीवी को करते हैं ऑन और जो भी इसके बेसिक से सेटअप होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टीवी का सेटअप कर लिया है और आप देख सकते हो ऐसा आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं होम डैशबोर्ड पे। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके सारे इनपुट सोर्स को आप यहाँ से यूज कर पाओगे, यहाँ से आप मोबाइल को कनेक्ट कर पाओगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ऑडियो शेयर कर पाओगे, और अगर आपके घर में स्मार्ट होम IoT डिवाइस हैं तो आप कनेक्ट कर पाओगे, जैसे एयर प्योरीफायर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गया, तो ये भी एक फीचर्स काफ़ी अच्छा है। और साथ ही इस टीवी के अंदर आपको एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप iPad हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, वो भी आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। साथ ही इसमें आपको TV स्पीकर्स यहाँ दिए हुए हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वायर्ड स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस स्पीकर भी यहाँ से आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। और इस टीवी में मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा रिमोट PC, आप अपने PC को भी आसानी से इसमें एक्सेस कर पाओगे। और फ्रेंड्स, इस टीवी के अंदर मैजिक रिमोट दिया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और मैंने सैमसंग सोनी के भी रिमोट काफ़ी यूज किया है, लेकिन ऐसा रिमोट मैजिक जैसा रिमोट कहीं नहीं देगा। और फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये इसके सारे हाईलाइट OTT ऐप से आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, G5 है, प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है और एप्पल TV, सारी ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल इसमें मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से टीवी वर्क कर रहा है, कहीं भी मेरे को कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो LG का WebOS दिया हुआ है और
कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आप टीवी 3 से 4 साल भी अगर इसे यूज करोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास पर्सनली मैं 5 साल से टीवी यूज कर रहा हूँ और अभी तक मुझे LG के वेव ओएस में कोई कंप्लेंट नहीं आई। एंड्रॉयड टीवी के वर्जन में जहाँ तक मुझे पता है न्यू वर्जन आ जाता है तो रैम और स्टोरेज कम पड़ जाती है तो कभी कभी टीवी फिर लैग करने लग जाता है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम आपको LG के वेव ओएस में नहीं आएगी। और फ्रेंड्स इस रिमोट की वॉइस कमांड को भी टेस्ट करके देखते हैं। टेक्निकल गुरु जी, गीत MP3, अशोक कुमार, HP 12 जनरेशन लैपटॉप, तो फ्रेंड्स मैंने वॉइस कमांड को 10 बार सर्च किया और उसमें से मेरे को 7 बार सही आंसर मिले। तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि एक टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो इस टीवी में आपको IPS 8 बिट पैनल दिया हुआ है और अगर रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और वहीं इसमें आपको पिक्चर प्रोसेसर Alpha 5 Generation 5 AI प्रोसेसर दिया हुआ है जो आपकी वीडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। और साथ ही आपको इस टीवी के अंदर HDR 10 Pro और HLG का भी सपोर्ट मिल जाता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं तो 1100x1 दिया हुआ है और फ्रेंड्स मैं वीडियो क्वालिटी देख रहा हूं, काफ़ी शानदार आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी। और इस टीवी का 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल दिया हुआ है तो आप कहीं से भी वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको कोई भी नेगेटिव नहीं दिखेगा। और साथ ही इस टीवी के ऑडियो फीचर्स की भी बात कर लेते हैं तो 2 वाट के डाउन फायर 10 वाट के स्पीकर दिए हुए हैं और फ्रेंड्स देखते हैं 10 वाट के स्पीकर में कैसा ऑडियो मिलता है, तो एक सैंपल आपको टेस्ट कराता हूं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेवटी एक स्मार्ट। तो फ्रेंड्स आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं इस चैनल पे अभी तक के मोस्ट एडवांस लैपटॉप का, Asus की तरफ से उठता हुआ आया है ठीक है। आवाज अगर 20 वाट के स्पीकर होते तो और ज्यादा बेटर आपको ऑडियो की क्वालिटी मिल जाती। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो एप्पल एयरप्ले की मदद से मैंने इसमें फोन को शेयरिंग कर लिया है और बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है, कहीं भी मेरे को कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और आप एंड्रॉयड और iOS को दोनों को कनेक्ट कर पाओगे इस टीवी में, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंड्स इस टीवी के अंदर कीबोर्ड भी टेस्ट करके देखते हैं चलता है या नहीं। और ये मैं इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते रहते हैं जब भी मैं टीवी का रिव्यू करता हूँ, तो इस टीवी में भी मैंने कनेक्ट कर दिया है कीबोर्ड को और टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी निराशा हाथ लगी है, इस टीवी के अंदर कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था LG का 2020 ईयर का रिसेंटली लॉन्च्ड मॉडल और मैंने आपको पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कराई। पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक कह सकता हूँ मैं, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ 2020 के 576 वाले मॉडल से तो यार उसमें और इसमें क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्राइस को कम रखा गया है तो इस वजह से क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, और वैसे आपको एवरेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इसमें आपको 2-way ब्लूटूथ का भी सिस्टम दिया हुआ है और अगर मैं ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं तो 5.0 दिया हुआ है। और इस टीवी की अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करूं तो कहीं भी कंपनी मेंशन नहीं कर रही है कि कितना स्टोरेज है और रैम। और वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं 2GB की रैम होनी चाहिए और 8GB का स्टोरेज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और अगर मैं प्रीवियस जनरेशन से इसे कंपेयर करूं तो कोई भी मेरे को डिफरेंस देखने को नहीं मिला बिल्ड क्वालिटी में। और फ्रेंड्स वहीं इसके मैं मैजिक रिमोट की बात करूं तो काफ़ी यूनिक डिजाइन में है और आप अच्छे से एक्सेस कर पाओगे अपने टीवी को भी। और इसमें आपको कुछ हॉट कीज दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉट स्टार, अमेजॉन प्राइम, एलेक्सा और साथ ही आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये रिमोट आता है।
और इस टीवी की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अभी ऑनलाइन पे लिस्टेड हुई है 19,000 में, और अगर आप कोई ऑफर सेल में इसे परचेज करोगे तो 18,000 के आसपास ये वाला टीवी आपको मिल जाएगा। तो इस प्राइस पे तो यार आप ये टीवी बाय कर सकते हो। और अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 1 ईयर कंप्लीट आपको वारंटी मिल जाएगी, साथ ही आपको एडिशनल वारंटी पैनल पे भी मिलती है। तो फ्रेंड्स 2 ईयर की वारंटी आपको इसमें मिल जाएगी, होम सर्विस कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और वैसे आपको पता है कि LG की सर्विस काफी शानदार है। तो फ्रेंड्स इस टीवी की अगर मैं कमी की बात करूं तो 10 वोट के स्पीकर दिए हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियो ठीक ठाक है, लेकिन अगर 20 वोट के अगर स्पीकर होते तो ऑडियो काफी शानदार आपको मिल जाता। और फ्रेंड्स आप 18,000 के बजट में आप इस टीवी के लिए बिना किसी डाउट जा सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।